गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इन योर जीके क्लास वी डू चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12। चैप्टर पेज नंबर 18 पे आपकी एक्टिविटी 2 है बेटा। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फाइंड आउट द वे, रास्ता ढूंढो। द न्यू फुटबॉल ऑफ मीतू, सिंपू, टोनी एंड मिंकी इज लॉस्ट। ये चार बच्चे हैं, मीतू, शिम्पू, टोनी और मिंकी, इनकी जो नई फुटबॉल है वो गुम हो गई है। दे विल गेट ए गुड बीटिंग फ्रॉम देयर एल्डर्स इफ इट इज़ नॉट फाइंड आउट। उन्हें अपने बड़ों से बहुत मार पड़ेगी, अच्छी खासी मार पड़ेगी अगर उनकी बॉल नहीं मिली। सो हेल्प देम इन सर्च ऑफ दिस फुटबॉल। तो उन बच्चों की आपको हेल्प करनी है ये फुटबॉल ढूंढने में। और अब आपको क्या करना है, इस सर्च बॉक्स में से ये होते हुए इस फुटबॉल तक आपको पहुंचना है। तो ये आपको खुद से करना है, मैं इसका आपका पज़ल का आपका रास्ता नहीं करवा रही, ये आपको खुद से करना है। मैं आपको कराऊंगी पेज नंबर चैप्टर नंबर 11 एंड 12। तो 11 चैप्टर पे आ जाइए अभी आप, एक्टिविटी 2 आपको खुद से करनी है। हीरोज़ एंड हीरोइंस ऑफ फिल्म्स, फिल्मों के हीरोज़ और हीरोइंस के बारे में ये चैप्टर है हमारा। डू यू वॉच मूवीज़, क्या आप मूवीज़ देखते हैं, क्या आप फिल्में देखते हैं। सर्टेनली योर आंसर विल बी इन यस, अचानक से मतलब लगभग सभी का आंसर क्या आता है कि हाँ। हेयर आर सम पॉपुलर हीरोज़ एंड हीरोइंस फ्रॉम हिंदी सिनेमा, यहाँ पर हिंदी सिनेमा से कुछ प्रसिद्ध हीरो और हीरोइंस के पिक्चर दी गई हैं। कंप्लीट देयर नेम्स बाय राइटिंग द मिसिंग लेटर्स, उनके नेम आपको कंप्लीट करने हैं मिसिंग लेटर को कंप्लीट करके। तो सबसे पहले ये पिक्चर देखिए, ये है बेटा हमारा किस चीज़ की, किस हीरोइन की पिक्चर है, ये सोनाक्षी सिन्हा। इसका सरनेम तो साथ में नहीं दिया है इन्होंने, तो हम सिर्फ सोनाक्षी को फिल करेंगे, SONAKSHI, सोनाक्षी। ओके, नेक्स्ट पिक्चर क्या है हमारी, अमिताभ बच्चन की, किसकी है, अमिताभ बच्चन की। तो AMITABH, अमिताभ बच्चन, BACHCHAN, अमिताभ बच्चन। आगे दीपिका, ये जो हीरोइन हमारी ये है दीपिका, DEEPIKA, दीपिका। ओके, अब है ये ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन, इनके नाम में H साइलेंट रहता है, तो HRITHIK, ऋतिक, इनका सरनेम है रोशन, ROSHAN, ऋतिक रोशन। अब एक क्वेश्चन हमारा बीच में इन्होंने दिया है, ये क्या है, राइट द नेम ऑफ एनी वन मूवी इन विच एनी वन ऑफ दीज अपीयर्ड एज एक्टर और एक्ट्रेस। इन चारों में से किसी की भी एक मूवी का नाम लिखना है, या तो फिर कोई एक्टर हो जिस मूवी में, या फिर कोई हीरोइन हो इनमें से, इन चारों में से ही किसी एक की मूवी का नाम लिखना है। तो बहुत सारी मूवीज़ हैं, आपको जो मूवी इन चारों की होनी चाहिए, अगर मैं जो लिख रही हूँ उससे अलग भी आप लिखना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मैं मूवी जो लिख रही हूँ अग्निपथ, ये हमारी ऋतिक रोशन की मूवी है अग्निपथ। ये हमारी अग्निपथ हमने लिख देना है, AGNEEPATH, अग्निपथ। अभी चैप्टर नंबर 12 पे चलते हैं। टाइम फॉर रेम्स, रेम्स मीन्स हमारी पोएम्स जो होती हैं उनका टाइम है। टेक द हेल्प ऑफ द पिक्चर एंड फाइंड द प्रॉपर वर्ड फ्रॉम सर्च बॉक्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट एवरी लाइन ऑफ रेम। रेम्स की वो लाइन कंप्लीट करनी है हमें पिक्चर्स की हेल्प लेके, और प्रॉपर वर्ड चुनकर किसे, सर्च बॉक्स से। सर्च बॉक्स हमारा इधर वाले पेज पे, ये देखिए ये दिया गया है। ओके,
तो हमें यहाँ से सर्च बॉक्स से वर्ड चुनकर इसको जो रेम्स हमारी अनकम्प्लीट रह गई हैं उनको कम्प्लीट करना है। तो डिंग डोंग बैल, पूसी इज इन द वैल, यहाँ पर क्या आएगा हमारा वैल, डब्ल्यू ई डबल एल, हमारी पोएम है थी ना ये नर्सरी क्लास में थी शायद, डिंग डोंग बैल पूसी इज इन द वैल, ये तो हो गया हमारा वन ऑप्शन। अब है बी क्वेश्चन नंबर टू, बा बा ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल, यहाँ पर क्या आएगा वूल, डब्ल्यू डबल ओ एल वूल, ये देखो वूल और वैल। आगे चलिए नेक्स्ट पेज पे, नंबर थ्री, पूसी कैट वेयर हैव यू बीन, आई हैव बीन टू डैश टू विजिट द क्वीन, लंदन, यहाँ पे क्या आएगा हमारा लंदन, एल ओ एन डी ओ एन लंदन। नेक्स्ट, हम्पटी डम्पटी सेट ऑन ए वाल, हम्पटी डम्पटी किस पे सेट है, वाल पे, यहाँ पे वाल आ जाएगा डब्ल्यू ए डबल एल वाल, वाल मीन्स दीवार, हम्पटी डम्पटी हैड ए ग्रेट फॉल। अभी पॉइंट नंबर फाइव हमारी, जिंगल बेल्स जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वे, डैश इज कमिंग अलोंग राइडिंग ऑन हिज लेग्स, तो ये आएगा सांता क्लोज, क्या आएगा हमारा सांता क्लोज, एस ए एन टी ए सांता क्लोज, सी एल ए यू एस सांता क्लोज। ये था हमारा चैप्टर नंबर 12 जो आपको कंप्लीट करना है, चैप्टर नंबर 11 एंड 12 मैंने आपको करवाया है, पेज नंबर 18 पे हमारी एक्टिविटी थी एक्टिविटी 2 जिसको आपको खुद से करना है, यानी आपको क्या क्या करना है अभी पेज नंबर 18 बुक में करना है, पेज नंबर 19 पे तो हमारा कुछ नहीं है, 20, 21 एंड 22 पेज नंबर 18 पेज नंबर 20 पेज नंबर 21 और पेज नंबर 22 ये सभी आपको अपनी बुक में फिल कर लेने हैं इनको अच्छे से समझते हुए। थैंक यू स्टूडेंट्स।